हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक और ट्रेंडिंग रील का ट्यूटोरियल लेकर आ चुके हैं आप लोगों के पास। तो उससे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह ही वीडियो को बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कैपकट ऐप। तो कैपकट ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कैपकट ऐप जो है आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में बैन है, तो इसे यूज़ करने के लिए हमें एक वीपीएन की भी ज़रूरत होगी। तो आप लोगों को वीपीएन भी डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आप लोगों को वीपीएन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, आप लोग कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों को एक वीपीएन डाउनलोड करना है। तो मैं एक वीपीएन कोई सा भी, मैं एटलस वीपीएन मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो फिर भी मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ कैसे कौन सा है, ठीक है। तो मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ, जैसे ऊपर सर्च वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भरता हूँ मैं एटलस वीपीएन। आप लोग कोई सा भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। कोई सा भी वीपीएन करना है बस आप लोगों को। तो मैंने ये कर रखा है, बस ये अपडेट आ रहा है इसमें। तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद हमें क्या करना है, वीपीएन को ओपन करना है जो आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इस वीपीएन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा। तो जैसे मैं ओपन करूँगा इस वीपीएन को, एटलस वीपीएन को, तो इस तरह इंटरफेस आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी देखिए डिस्कनेक्ट लिखा रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ ऐसे होगा, प्रेस टू कनेक्ट। तो अभी थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा, देखिए अभी ये हो चुका है। तो उसके बाद हमें फिर से बैक आ जाना है इसे, और अभी हमें क्या करना है, कैपकट ऐप को ओपन करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग कैपकट ऐप को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो देखिए मैंने ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। तो नीचे आप लोगों को एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, और सॉरी ऊपर की तरफ ये ब्लू कलर का, तो न्यू प्रोजेक्ट लिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एक वीडियो ले लेनी है। तो कोई सी भी आप अपनी एक वीडियो ले लेनी है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, मेरी कोई सी भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग अपनी एक वीडियो शूट कर लेना और उसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं उसके बाद आप लोग बताता हूँ क्या करना है आगे। तो मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट करके ऐड वाला ऑप्शन आ जाएगा नीचे, देख सकते हैं आप लोग। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी वीडियो आ चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए तो जैसे भी आप लोग इसे ऐड करेंगे तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो पर क्लिक करना है, और जो भी इसका साउंड होगा आप लोगों को उसको म्यूट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए पहले आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, बिल्कुल सिंपल है, कोई स्लो मोशन नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ वीडियो पर, और वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं जो इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ। तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा क्लिक करने के बाद, वॉल्यूम वाला, ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। इस पर क्लिक करने के बाद इसे कर देना है हमें 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैं क्या करना है, इसमें एक ऑडियो ऐड करनी है। तो मैं आप लोगों को बता दें कहाँ से ऐड करनी है। तो यहाँ पर नीचे ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, वीडियो के नीचे लिखा रहा है ऐड ऑडियो वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको ऐड करने के लिए हमें तो ऐड ऑडियो ऑप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर पे आएगा एक्सट्रैक्टेड, देख सकते हैं आप लोग, इस पर क्लिक करना है। और एक रील का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और इम्पोर्ट साउंड ओनली नीचे लिखा आ रहा है जैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके डन कर देना है। तो उसके बाद देखिए हमारा साउंड ऐड होकर के यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ पर इसे स्लो करना है, कहाँ पर नहीं, ठीक है। तो लास्ट में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ पर इसमें एक कट लगाना है एक वीडियो में, ठीक है। स्प्लिट करना है हमें इस वीडियो को, कहाँ पर करना है बता देता हूँ। तो 0.4 सेकेंड, ओके। आप लोग जूम करके देखेंगे तो 10F या 15F ऐसे दिखा रहा होगा, ऊपर देख सकते हैं आप लोग। तो 0.4 से थोड़ी सी आगे आप लोगों को 10F दिखाई देगा, तो उसे भी यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी देखिए इसमें क्या करना है हमें। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है ये वीडियो का, तो इसमें तो हमें क्या करना है, एक ब्लर वाला जो इफेक्ट आप लोगों को वह वाला लगाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पहले तो हमें इसे ब्लैक एंड वाइट कर लेना है, ठीक है। तो मैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर हैं आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, इसे ब्लैक एंड वाइट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, आप लोगों को कोई सा भी इनमें से पसंद आए तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो ऊपर आप लोगों को नेचर वाले पे जाना है, और यहाँ पर मोनो वाला जो इफेक्ट है इसमें आना है, और यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट या फिर ये वाला देखिए, इससे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पर इससे आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए
ये रहा ब्लैक एंड वाइट वाला, तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी आप लोग यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डन कर देना। तो देखिए ये वीडियो जो हमारी ब्लैक हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आप लोग को एक इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और नीचे आप लोगों को वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को एक इफेक्ट मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ कौन सा है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को कहीं पर भी आगे भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो डायमंड जूम वाला है, ये रहा देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट है, तो इसे लगा करके डन करना है। और इसको हमें क्या करना है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है यहाँ तक जहाँ तक हमारे स्प्लिट किया है, ठीक है। और देखिए ऐसे आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, नीचे एडजस्टमेंट आ रही है, आप लोग देख सकते हैं जैसे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो अगला जो हमारा पार्ट है वीडियो का, देखिए ये वाला, तो यहाँ से हमारी जो है वीडियो स्लो होगी। तो जैसे ही जहाँ तक करनी है मैं वहाँ तक कर देता हूँ एक बार, देखिए। तो पहले तो मैं जो इस पर क्लिक हो स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पीड वाला ऑप्शन आएगा जैसे आप लोग वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है इसे 0.1 या फिर 0.2, ठीक है। आप लोग की मर्जी है, कोई से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डन वाला ऑप्शन आ रहा है, डन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद जहाँ पर हमारा सॉन्ग ख़त्म होगा वहाँ तक इसे कट करना है वीडियो को, और जो फालतू की वीडियो होगी स्लो करने के बाद उसे डिलीट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो ये देखिए ये हमारी वीडियो बची है जो हमारी, देखिए अभी ये स्मूथ स्लो नहीं हुई है, देख देख सकते हैं आप लोग, बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रही है, ठीक है। तो अभी हमें फिर से क्लिक करना है वीडियो पे, स्लो स्पीड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद नॉर्मल वाले ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक पिच लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, तो इस पिच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी क्लिक कर देना है पिच वाले ऑप्शन पे। और उसके बाद यहाँ पर मेक ये वो मेक इट स्मूथर लिखा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर क्वालिटी वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दो ऑप्शन आएंगे, तो बेटर क्वालिटी वाला सिलेक्ट करने के बाद डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर ये हमारी 100 तक जाएगी, और उसके बाद जो आपकी वीडियो बिल्कुल स्मूथ से वो स्लो मोशन होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाता हूँ जब ये हो जाएगी वो पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये देखिए 50 तक तो लगभग हो चुका है। जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना टाइम लेगी, और जितनी छोटी होगी उतना जल्दी होगा ये काम, ठीक है, स्लो मोशन वाला। तो इसके होने के बाद आप लोग दिखाता हूँ कितना स्मूथ होगा हमारी वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ चलेगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में तो ये बिल्कुल अटक अटक के चल रहा था ना, तो अभी स्मूथ चलेगा। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं चला करके कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो एक बार मैं चला करके दिखा देता हूँ, तो मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट में देखा था ना प्रीव्यू में, तो एकदम से स्लो होगी, देखिए अभी देखिए कैसे बिल्कुल स्मूथ से वो हमारी वीडियो जो है स्लो हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जो है इतनी तो वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोग चाहें इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा एकदम से स्लो हो रहा है ना, तो एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इन एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ से आप लोग कोई सा भी एक एनिमेशन भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो जैसे ये वाला तो मैं शेक 3 वाला ही लगा देता हूँ, आप लोगों की मर्जी है कोई सा भी लगा सकते हैं आप लोग। उसके बाद डन कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद तो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।